Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about 10 words that tells men's type. Friend, आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे words देखेंगे जो इंसान के types को बताती हैं या उनकी मिजाज को बताती हैं। तो चलिए friends, start करते हैं। Friends, अगर आप यह वीडियो उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू टू इंग्लिश बाय आलम पर जाएं, जहां आपको उर्दू वाले वीडियोज मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डैंडी। डैंडी का मतलब होता है वह इंसान जो कपड़ों का शौक रखता हो, यानी कपड़ों का शौकीन इंसान। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह कपड़ों का शौकीन इंसान है तो आप कहेंगे ही इज अ डैंडी। मैं कपड़ों का शौकीन इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डैंडी। क्या आप कपड़ों के शौकीन इंसान हो? आर यू अ डैंडी? तो फ्रेंड्स, उन लोगों को हम डैंडी कहते हैं जो कपड़ों का शौक रखते हैं या कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला इंसान या फर्जूल खर्ची करने वाला इंसान। अगर आपको कहना हो वह बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला इंसान है तो आप कहेंगे ही इज अ प्रोडिगल। आप बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले इंसान हो या आप फजूल खर्ची करने वाले इंसान हो, यू आर अ प्रोडिगल। आइए फ्रेंड्स, आज का तीसरा वर्ड देखते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत कम खर्च करने वाला इंसान या किफायत में चलने वाला इंसान या पैसों को सोच समझकर खर्च करने वाला इंसान। मैं बहुत कम खर्च करने वाला इंसान हूँ, आई एम अ फ्रूगल। क्या आपको नहीं लगता आप बहुत किफायत में चलने वाले इंसान हैं? डोंट यू थिंक दैट यू आर फ्रूगल? मेरे दोस्त बहुत कम खर्च करने वाले इंसान हैं, माई फ्रेंड्स आर फ्रूगल। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है फ्रेंड गोरमेट। गोरमेट का मतलब होता है खानों का शौकीन इंसान या वह इंसान जो खाने पीने का बहुत शौक रखता हो। जैसे खली खाने पीने का शौकीन इंसान है, खली इज अ गोरमेट। क्या तुम जानती हो तुम्हारी बहन खाने पीने की शौकीन है? डू यू नो योर सिस्टर इज अ गोरमेट। मैं खाने का शौकीन इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गोरमेट। क्या आप खाने पीने के शौकीन इंसान हैं? आर यू अ गोरमेट? आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है गश्ती। गश्ती का मतलब होता है हिम्मत वाला इंसान। सलमान हिम्मत वाला इंसान है, सलमान इज गश्ती। मेरे पापा हिम्मत वाले इंसान हैं, माय फादर इज गश्ती। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और हमारा अगला वर्ड है फ्रेंड्स जेनरस। जेनरस का मतलब होता है बड़ा दिल वाला इंसान या उदार व्यक्ति या रहम दिल इंसान। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह एक रहम दिल इंसान है या वह बहुत बड़ा दिल का इंसान है तो आप कहेंगे ही इज जेनरस। मैं बहुत बड़ा दिल वाला इंसान हूँ, आई एम जेनरस। वे लोग बड़े दिल वाले इंसान नहीं हैं, दे आर नॉट जेनरस। क्या आपके पापा बड़े दिल वाले हैं? इज योर फादर जेनरस? क्या मैं रहम दिल वाला नहीं हूँ? Am I not generous? क्या मेरा भाई बड़ा दिल वाला नहीं है? Is my brother not generous? आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड्स स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है चिपकू स्वभाव वाला इंसान। कई बार आपको अपने डेली लाइफ में ऐसे लोग मिल ही जाते होंगे जो बड़े चिपकू स्वभाव के होते हैं, यानी अगर वो आपसे बात करने लगे तो घंटे दो घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं। तो अगर आपको कहना हो वह चिपकू स्वभाव वाला इंसान है या वह चिपकू मिजाज वाला इंसान है तो आप कहेंगे ही इज स्टिकी। मैं चिपकू स्वभाव वाला नहीं हूँ या मैं चिपकू मिजाज वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टिकी। मुझे लगता है तुम चिपकू स्वभाव वाले हो, आई थिंक यू आर स्टिकी। आइए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है ओबावाइज। ओवरवाइज का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही होशियार इंसान या अपने को बहुत ज्यादा होशियार समझने वाला इंसान।
क्या आप जानते हैं मेरे चाचा कुछ ज्यादा ही होशियार इंसान हैं। डू यू नो माई अंकल इज ओवर वाइज। मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही होशियार हैं। आई थिंक यू आर ओवर वाइज। क्या आपको नहीं लगता है शाहरुख कुछ ज्यादा ही होशियार है? डोंट यू थिंक शाहरुख इज ओवर वाइज। आइए फ्रेंड्स आज का अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है रैशनल मैन। फ्रेंड उस इंसान को हम रैशनल मैन कहते हैं जिसे अपने अच्छे और बुरे की खबर हो, यानी वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है, इस बात की उसे इल्म हो या इस बात की उसे खबर हो। अगर आपको कहना हो वह अपने अच्छे बुरे की खबर रखने वाला इंसान है तो आप कहेंगे ही इज अ रैशनल मैन। मेरा दोस्त अपने अच्छे बुरे की खबर रखने वाला इंसान नहीं है। My friend is not a rational man. क्या आपको नहीं लगता कि वह अपने अच्छे बुरे की खबर रखने वाला इंसान है? Don't you think he is a rational man? आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। और हमारा लास्ट वर्ड है irrational man. Irrational man का मतलब होता है वह इंसान जिसे अपने अच्छे और बुरे की खबर नहीं हो। जैसे अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में कहना होता है उसे अपने अच्छे बुरे की खबर नहीं है। He is an irrational man. आप अपने अच्छे बुरे की खबर न रखने वाले इंसान हो तो आप कहेंगे You are an irrational man. फ्रेंड्स अगर आपको ये 10 वर्ड्स समझ में आए तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि सलमान हिम्मत वाला इंसान है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं आपके लिए रोज एक नया लेसन ला सकूं। कैसे जाने सब्जेक्ट क्या होता है या सब्जेक्ट कैसे पहचाने, और ऑब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो आपको किसी भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि कैसे जाने सब्जेक्ट कहाँ है और कैसे जाने की ऑब्जेक्ट कहाँ है। वह मुझे पानी दिया। चलिए फ्रेंड्स देखें कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स इसके पहले कि मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, पहले आप ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। उस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं जो आपके सेंटेंसेस में दिए गए एक्शन को करता है। फ्रेंड्स जब आप कौन और किसने बोलकर अपना हिंदी वर्ब बोलेंगे तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? वह मुझे पानी दिया। अब हमको ढूंढना है सब्जेक्ट, हम कौन और किसने बोलकर अपने वर्ब को बोलेंगे, और आंसर में जो वर्ड आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। कौन दिया, वह दिया, या किसने दिया, तो हो सकता है लिखा हो उसने दिया। तो जब आप कौन या किसने बोलकर अपना हिंदी वर्ड बोलेंगे तो जवाब में आया वर्ड सब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सेंटेंसेस में कितने ऑब्जेक्ट हैं या कौन कौन ऑब्जेक्ट हैं, तो आप ऐसे ढूंढिए क्या, किसे या किसको। आप ये बोलकर जब आप अपना हिंदी वर्ब बोलेंगे तो जवाब में आया वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, चलिए करके देखते हैं। हमारा हिंदी सेंटेंस है वह मुझे पानी दिया। क्या दिया, आंसर मिला पानी, तो यह एक ऑब्जेक्ट हुआ। किसे दिया, मुझे दिया, या किसको दिया, मुझे दिया, तो आपको यहां पर एक और ऑब्जेक्ट मिला मुझे। तो जब आप क्या, किसे या किसको बोलकर अपने हिंदी वर्ब को बोलेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी बाहर आ जाएंगे। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो नॉन लिविंग हो, यानी निर्जीव हो, और इनडायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो सजीव हो, यानी लिविंग हो, मतलब जिसके अंदर जान हो। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक के अंदर जान है और दूसरा बेजान है। तो जो ऑब्जेक्ट बेजान होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जान होती है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यहां बात समझ में आया होगा कि हम सब्जेक्ट कैसे पहचाने और हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको यह बात समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर आप मेरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब आप शानदार तरीके से अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।